हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूं, जो भाई फेरी वाला काम करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे, उसको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को मत देखिएगा, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने कुछ बातें हैं फेरी वाले काम के लिए, जो कि जब वीडियो बनाने लगते हैं ना तो भूल जाते हैं। पहले से बहुत सारा बात याद रहता है कि ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन जब वीडियो बनाने लगते हैं तो भूल जाते हैं। इसके लिए हमने कुछ स्क्रिप्ट बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कपड़ा के फेरी के लिए एक कुछ सुझाव है जो कि हम बताने जा रहे हैं, जिसके ध्यान में रखते हुए अगर आप फेरी का काम करते हैं तो उसमें सफल हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमेशा आप अच्छे क्वालिटी के कपड़े रखें अपने फेरी में, जिससे जो है ना ग्राहक को पसंद आएगा। आप एक बार यूज कर लेगा तो अच्छा लगेगा, तो बार बार आपसे खरीदेगा, आपका खरीदारी का सेल भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अपने सामान का दाम जो है ना उचित रखें, जिससे ग्राहक को ऐसा ना लगे कि हमसे ज़्यादा दाम ले रहा है। जैसे कि अगर दूसरा कोई बेच रहा है उसी के मेल जोल में रखे, लेकिन वो बेच रहा है उससे थोड़ा कम ही रखे, ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि हमसे ज़्यादा पैसा ले रहा है। तो ये बात को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारा फेरी वाला है। तो दाम को जो है ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए दाम रखना है। और कपड़ा भी अच्छा क्वालिटी के होना चाहिए। गाँव में तो ऐसा ही लोग सोचता है कि अच्छा मिले, कम दाम में मिले, तो इसलिए क्वालिटी के साथ साथ दाम पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मेल जोल के लिए जो है ना हर प्रकार का कपड़ा रख सकते हैं, जैसे बच्चा से लेकर सियान तक, लेडीज से लेकर जेंट्स तक, हर प्रकार का कपड़ा रख सकते हैं मेल जोल में। जैसे कि बच्चों के लिए हो गया कुर्ती, फ्रॉक, लेगी, प्लाजो, ब्लूमर, कच्छा, गंजी, ये सब रख सकते हैं। मेल जोल में रहेगा तो बिक्री होगा, एक के एक लेने आएगा कस्टमर तो उसके हिसाब से दूसरा भी ले लेगा। इसके लिए मेल जोल में रहना बहुत ही ज़रूरी है। सियान लेडीज के लिए नाइटी हो गया, दो तीन प्रकार का नाइटी ले लीजिए। लड़की लेडीज दोनों पहनती है, कुर्ती ले लीजिए, लहंगी, प्लाजो। प्लाजो 5-6 प्रकार 7 प्रकार का आता है, तो हर प्रकार का प्लाजो ले लीजिए और अच्छे क्वालिटी में लीजिए। अच्छे देख करके जब भी कपड़ा खरीदारी करें तो अच्छे से देख करके खरीदें, क्योंकि कटा फटा भी रहता है। तो जब भी मार्केट में जाए खरीदारी करने, तो पहले ही जो है ना दुकानदार से बात कर ले कि ज़्यादा कटा फटा रहेगा तो वापस कर लेकर आएंगे, तो सही रहता है, बात पहले से किया हुआ रहता है तो। और दोस्तों, मौसम के अनुसार भी कपड़ा बेच सकते हैं, क्योंकि गर्मी में हौला और सूती कपड़ा ज़्यादा बिक्री होता है, और ठंडी में गरम कपड़ा, ऊनी कपड़ा बिक्री होता है। तो इसके हिसाब से आप बेच सकते हैं। हमेशा जब भी सामान लाने जाए, जब जब सामान लाने जाए तो देखते रहे कि कौन कौन सा नया डिज़ाइन आया है। तो नए नए डिज़ाइन में, नए नए रंगों में, नए नए क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के कपड़ा ला, ताकि कस्टमर नया नया डिज़ाइन खोजता है, तो उससे जो है ना सेल में भी वृद्धि होगा और इनकम भी ज़्यादा होगा। जब अच्छा क्वालिटी रहेगा ना तो एक बार तो आप बेच देंगे तो कस्टमर को लगेगा कि ज़्यादा दाम ले रहा है, लेकिन कपड़ा के हिसाब से। लेकिन जब पहन लेगा, यूज कर लेगा, तो क्वालिटी जब अच्छा लगेगा तो बार बार बिक्री होगा। तो इसके लिए आप जब भी सामान लाने जाए तो डिज़ाइन चेंज कर करके देखते रहें कि कौन कौन सा नया नया डिज़ाइन आया है, तो नए नए डिज़ाइन में कपड़े खरीदारी करके लाएँ। अच्छा व्यवहार दोस्तों, ग्राहकों से जो है ना अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार रखें, ताकि कस्टमर आगे बनता चला जाए। क्योंकि दोस्तों, जब फेरी करने जाते हैं या कोई भी काम करने जाते हैं, तो अच्छा अगर आपका व्यवहार है तो धीरे धीरे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताता है, ऐसे करते हैं आपका कस्टमर बढ़ने लगता है, और आप बात भी अच्छे करते हैं, और साथ ही साथ बात अच्छी के साथ साथ अच्छे दाम पे सामान भी देते हैं, अच्छा सामान भी देते हैं। इसके वजह से सेल तो बढ़ेगा ही, इनकम भी बढ़ जाएगा। इसलिए व्यवहार अच्छा रखें ग्राहकों के साथ, हर एक आदमी के साथ, ग्राहक बच्चा हो, सियान हो, सबके साथ
अच्छा व्यवहार रखें। दोस्तों हमेशा वही कपड़ा बेचो जो आप दिखा रहे हैं, ये नहीं सो दिखा दिए कोई कपड़ा और जब पैसा कम दे रहा है ग्राहक तो दूसरा कपड़ा दे दिया, ऐसा नहीं करना है। जो कपड़ा आप दिखा रहे हैं कस्टमर को वही कपड़ा उसको दे भी, इससे विश्वास बढ़ेगा। अगर आप दिखाएंगे कोई और कपड़ा देंगे कोई और कपड़ा, तो उससे विश्वास कम होगा जिससे ग्राहक टूट सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अपने सामान को, जो सामान आप बेच रहे हैं उस सामान को, कपड़ा हो गया या कोई और भी सामान बेच रहे हैं, उसको सोशल मीडिया इंटरनेट पे डाल के भी प्रचार कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आप क्या बेच रहे हैं, किस टाइप का कपड़ा, किस प्रकार का सामान बेच रहे हैं, ताकि लोगों को मालूम पड़ेगा तो अगर उसको ज़रूरी होगा तो आपसे लेगा। तो आप इंटरनेट के द्वारा आप फोटो डाल करके आप प्रचार कर सकते हैं अपने कामों को। हर दिन हर गांव गांव में, मतलब हर दिन नए नए गांव में, अलग अलग गांव में जा करके अपना सेल बढ़ा सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं। त्यौहार और ऋतुओं के समय में जैसे कि मौसम परिवर्तन होते रहता है, तो त्यौहार और मौसम के समय में आप कुछ ऑफर अपने से निकाल सकते हैं, तो निकाल करके सेल बढ़ा सकते हैं, ताकि लोगों को जो है ना ध्यान जाएगा आपकी तरफ, क्योंकि सब फ्री वाला ऑफर नहीं देता है, और आप ऑफर देंगे तो सेल और बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा। तो आप ऑफर भी निकाल के सेल बढ़ा सकते हैं। हमेशा दोस्तों जो है ना थोक में ही खरीदारी करें, ये नहीं से अगर बहुत सारे भाई लोग जो है ना और नए नए काम करते हैं तो थोक दाम पर कहाँ पे सामान मिलता है मालूम नहीं रहता है, तो रिटेलर जो रहता है ना ज़्यादा ज़्यादा सामान बेचता रहता है रिटेल में, उसी से सामान लेता है, जिसकी वजह से जो है ना मैं भी कितने बार मैं ले लिया हूँ, ज़्यादा सामान देखा था, बोला है कि यही होलसेल है, तो कपड़ा मिल नहीं रहा था, मालूम नहीं था, इसके वजह से उसी से सामान लिया, तो वो ऐसा दाम पर लगा दिया रेट कि जिस रेट में वो रिटेलिंग करता था उसी रेट में हमको दे दिया। जब दुकान गांव में लाए बेचने के लिए तो जिस रेट में लाया था उससे कम ही लगा रहा था, न तो उतना ही लगा रहा था, तो फायदा ही नहीं हो रहा था, कैसे करके दाम के दाम कुछ में घाटा भी लगाकर बेचना पड़ा मुझे। तो इसलिए जब भी सामान ले तो थोक दाम में ले, व्यापारी रेट में ले, ताकि आपको खरीदारी में कम पड़े, जिससे आप 20-25-30% 40% मुनाफा कमा सकते हैं ला करके। रिटेलिंग ज़्यादा सामान रखता है रिटेलिंग वाला, लेकिन उससे नहीं लाना है, देख के सोच समझ के थोक बाजार से, थोक मार्केट से, थोक दुकान से ही लाए, तब फायदा होगा। आप चाहे तो अगर आपको जानकारी है तो फैक्ट्री जहाँ पे बनता है सामान, कपड़ा बनता है, वहाँ से डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से भी ला सकते हैं, तो और सस्ता पड़ेगा। और अगर आपको मालूम है, नॉलेज है, तो ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं थोक दाम पर, क्योंकि मैं तो अभी ऑनलाइन नहीं किया हूँ, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही खरीदने में ही फायदा है, क्योंकि आपको धीरे धीरे कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे अगर काम करने लगता है तो काम मालूम हो जाता है, उसके बाद आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है ना ऑफलाइन ही खरीदें, देख करके जांच पड़ताल करके। कपड़ों को अपने जो कपड़ा जो बेच रहे हैं उसको देखभाल करना आपको ज़रूरी है, तो आप कपड़े को साफ सुथरा रखें और धूप बारिश से बचा करके रखें, हमेशा खुद से और ग्राहकों से ईमानदारी से बात करें, काम करें, खुद से भी और ग्राहकों से भी ईमानदारी से काम करें, तो जिससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा खुद के ऊपर भी, और ग्राहक से अगर ईमानदारी से बात करेंगे, काम करेंगे, ग्राहक के साथ बेचेंगे कपड़ा, तो ग्राहकों को भी आप पर विश्वास होगा, जिससे सेल बढ़ेगा। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। फाइनली हमने स्क्रिप्ट बना करके और आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।